अभी कुछ दिन बाद कनागत लागेंगे श्राद्ध जिसने बोलना है। लोग के करेंगे मन अपनी आंखें तो इसे लोग देखे। पहले तो मैं कहना चाहूंगा मेरी बात ने ध्यान तो सुनियो, उल्टी लेकर ना पड़ियो, पूरी बात समझने की कोशिश करो। मैं कहना के चाहूंगा, मैं सबको नहीं कह रहा, पहली बात तो है या मैं उन लोगों को कह रहा हूं जुन शाह ने जिंदे जी बाबू में बाबू नहीं दिखता, जिसने जिंदे जी माँ में माँ नहीं दिखती, जिसने जिंदे सासू ससुरे में सासू ससुरे नहीं दिखते। इब कनागत लागेंगे जुन शाह ने एक रोटी का टूक भी अपने बाप को कदे ढंग से नहीं खिलाया, वह भी हंडेंगे छात पर रोटी के टूक धरते। मन ने लुगाई देखी अपनी आख्या तय, लोग आई जाएंगे मंडेरिया पर रोटी के टूक धरेंगे, अपने बच्चों का हाथ तबले ला बेटा ये पितरा का नाम का हबला, मंडेरिया पर रोटी के टूक धर देंगे, कोई हलवा ला देगा, कोई खीर ला देगा, फिर आओगे कागा उड़दा, वह पड़ोसन कहेगी हे परमेश्वरी कागा आ गया, और घूंघट काट कर खड़ी हो जाएगी, खबरदार है कागा ना कह दिए, और कागा कोनी और कौन से, ये मेरा ससुरा जी मना रहा है, क्या हो गया तुम्हारी बुद्धि को, क्या कर रहे हो आप लोग, क्या ये राजेश ने जिंदे जी ससुरा में ससुरा नहीं दिखा, आज वह कागा ने ससुरा बताओ है, क्यों उतरो खाम गई, क्यों पाखंड फैलाओ खाम खागा। मैं ये नहीं कहता कनागत ना काटो, कनागत काटो, श्राद्ध काटो, लेकिन हिसाब सर, जिसने जिंदे जी माँ बापू का कदे ढंग सर मुंह माथा नहीं देखा, कदे चुपड़ी हुई रोटी तक नहीं दी, मरे पाछा तुम हलवे खीर काग्या ने खुआ कर राजी हो रहे हो, माँ बापू का पेट में गया, एक नंबर की झूठ, एक नंबर की बकवास है। कनागत करो लेकिन ओए करो जिसने जिंदे जी माँ बाप की सेवा करी है, पितर दुनिया पितर पितर कर दी, फिर किसने पितर मानो हो तुम, बका दिए लोग बोला जो अन मृत्यु हो जाती है ना बोला वो पितर बना, ऐसा नहीं होता रे मूर्ख हो, पितर क्यों है गौर करके सुन लो, पितर का मतलब होता है बड़ा बुजुर्ग, घर में जो दादा दादी है माँ बाप वो पितर है, जिंदे पितर, जिस माँ बाप ने जिंदे जी शांति नहीं मिली, जिंदे जी रोटी का टूक नहीं मिला, मरे पाछ वो पितर तुमने क्यों कर फायदा दे देंगे बताओ, फिर अंडो के शाने छोड़ेंगे धक्के खांदे, और वो फिर तुमने लूटेंगे, वह न्यू कहेंगे बोला तुम ना बोला बढ़िया तो बढ़िया फ्रिज दे दो थारे पितर ने मिल जाएगा, तुम दोगे फिर बढ़िया तो बढ़िया गैस सिलेंडर दे दो बोलिया थारे पितर ने मिल जाएगा तुम दोगे, कितनी भोली दुनिया है, हद की बात है, चाल की बात है, जिंदे जी माँ बाप ने एक रोटी का टूक नहीं, मरे पाछा हलवे खीर काग्या ने खुआ, मैं ये नहीं कहता कि पक्षियों को भोजन ना कराओ, काग्या ने भोजन करवाओ, पर यू फंड करना छोड़ दो, काग्या ने बाबू क्या देखो हो, बारह महीने खुआओ काग्या ने रोटी खुवानी है, बारह महीने पक्षियों ने दाना डालो, बारह महीने कुत्तिया ने रोटी घेरो, बारह महीने गऊआ की सेवा करो, पंद्रह दिन में बाबू याद आओगे बस थर है, पंद्रह दिन काग में बाबू दिखे है, सोलह दिन अगर काग थरे भरना आके बैठ जाना सारा कुड़बा डले मारेगा उसके, काग्या ने वो तो देख कभी राजी नहीं तुम, अब मुझे ये बताओ इसका मतलब तुम्हारी श्रद्धा माँ बाप में भी नकली है, इसका मतलब तो ये होगा क्लियर होगी बात, उरे अगर कागे में माँ बाबू दिखे हैं तो फिर सारी उम्र क्या तन दिख दे, वो पंद्रह दिन क्या तो दिखे हैं, इसलिए डोसले करने बंद कर दो, कनागत वो ये करेगा, श्राद्ध वो ये करेगा जो जिंदा जी माँ बाप ने रोटी के टूक देगा, सेवा करेगा और उनका कहना मानेगा, ओ तो कनागत करो चौदह भय, और जिसने माँ बाप बूते कदम रोटी का टूक नहीं दिया कोई जरूरत नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं मंडेरेगा ऊपर रोटी के टूक धन के लिए फंड बाजी करने की, कनागत उसे का मंजूर होगा जो जिंदा जी माँ बाप की सेवा करेगा, अना तक को न्या हो, मेरी बात अच्छी लगे तो ताड़ी तो बाजार हो के जुलम हो गया, बात कड़वी है लेकिन 100% सच्चाई भी है, एक एक बोल सुनिए कति तीर साचू बगा, क्योंकि सच्चाई सबको हजम नहीं होती है, ओरिजिनल कनागत करना शुरू करो, जिंदा जी माँ बाप की सेवा करो, मरे पाछा फिर कनागत करोगे फिर बेशक कर लो, लेकिन जिंदा जी माँ बाप को रोटी नहीं दी तो मरे पाछा है ऐसे आपको कागे जमाने का कोई अपने क्या लिखा लेगा, ए रजिते जी तो टूक दिया ना भूखे मरे बाप माई रही काग जमा के ढोंग करो ना बाई, जीते जी तो टूक दिया ना भूखे मरे बाप माई रही काग जमा के ढोंग करो ना भाई, कड़वी लाइन है घूंट भरनी पड़ेगी सच्चाई है, ओ जीते जी तो टूक दिया ना भूखे मरे बाप माई रे इब काग जमा के ढोंगे करो ना माई रे इब काग जमा के ढोंगे करो करो ना भाई।
मैंने अपनी आंखें से लोग देखे से परिवारों को मैं जानता हूं लोगो, जिसने जिंदे जी कदे बाबू तो धोया हुआ बिस्तर नहीं दिया, बुढ़ा आदमी का बेचारे का मैं मलमूत्र निकल जाया करता, बहुआ ने कदे ढंगसरो बिस्तर भी नहीं धोया, कदे धोती भी नहीं धोई, कदे कुर्ता नहीं धोया, बांस आया करती बुढ़ा मत, मैं ऐसे लोगों को खूब जानता हूं। और देख जिंदा जी तो कदे कुर्ते तक नहीं धोए बुढ़ा आदमी के, और जब वो बुढ़ा आदमी मर गया ना, ताजा कती कच्चा कती नया कफन मंगा गए, नो कहेंगे बाबू पर कफन डालना, बेटा न्यारा उड़ाओगा, वो न्यारी उड़ाऊंगी, अड़ोसन पड़ोसन न्यारी उड़ाऊंगी। और जिंदा जी बाबू रुके मर 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 गया, रे बेटा पानी लिया जो रहे, रे गोड्या ने खोनी चलिया जाना, रे पोत्यो रे बेटो रे बहुओ ए बहुओ, किसे ने भी सुनाई नहीं करी, एक पानी का गिलास नहीं बुढ़ा आदमी तेन दिया। और जब वो मर गया फिर बेटा बनाओ था नंबर, बोलिया योगू का पीर का मंत्र में बोलिया मेरा बाबू का नाम था, मैं तो प्याऊ बनवाऊंगा। वाह मगा शाबाश मेरे शेर, जिंदा जी बाबू तो एक घुट पानी की भी नहीं प्याई, तू प्याऊ बनवा उसका नाम था, फलाना फलाना अपने बाप की यादगार में प्याऊ बनवाता है। बकवास करते खाम खागी, नंबर एक पर दर्द लिखा है एक बूढ़े आदमी का क्या। जखे मल्ले वस्त्र पांडा बिस्तर रो रो के मैं बिताया, पिता का ताजा कफन मंगाया, सब लिखड़िया जी मात पिता का ताजा कफन मंगाया, कदे पानी तक भी को क्या प्याया, पाछे प्याऊ भी बनवाई रे किस कागज जमा के टोगे करो कटोरी बेचन दो के नहीं हो, कदे हाथ हाल नहीं करवाए। और जब वो माँ बाप मर गए नो का बोलिया मेरा बाबू मेरे मतलब 40 पीपे घी के ला दिए, मैं खतरा खड़ा नास हो रहा, तेना के कर रही हो रहा, जिसने कदे चुपड़ी रोटी तो ही नहीं दी, तू मैं काज करे 40 पीपे लावा उसके नाम के, कहां जा रहे हम लोग, समाज कहां जा रहा है समझ में नहीं आ रहा। मैं तो बोझे बड़ा पाप, कोई भी पाप नहीं है धरती पर, मैं तो इस चीज को मानता हूं। और कितने हलवे खीर भाई का क्या न खुआ लो, माँ बाप का पेट में जंदा दाना भी, अरे जिंदे जिए नहीं तने कदे टू खुआया, मेरे पास क्या प्रमाण है तेरे पास, का क्या न खुआ हलवे खीर माँ बाप के पेट में जा, कोई प्रमाण नहीं किसी के पास। मैं ये नहीं कहता पशु पक्षियों की सेवा ना करो, करो, काग्या न भी जमाओ, गऊ न भी जमाओ, कुत्ता न भी जमाओ, लेकिन 12 भी नहीं जमा करो, ये 15 दिन सिर्फ 15 दिन थारी श्रद्धा क्या तथा गज है, 15 दिन कागा बाबू दिखे माँ दिखे, 16वां 17वां दिन कागा दिखने लग जाए तुम उसका डले मारो, कितनी बड़ी बकवास है। सेवा करनी तो 12 भी न करा करो, ये दो गलापन छोड़ दो, ये पाखंड करने छोड़ दो। नंबर दो पे क्या लिखा है, घर में मात पिता कदे आथ करे ना आले, जब थे घर में मात पिता कदे आथ करे ना आले, का क्या मैं इब का क्या मैं दिखे माँ बापू मूरख पूछे शर्मा, कितने हलवा खीर खुआले उनकी हो ना पेट भराई रे, कागज जमा के तो
ढोके करो ना भाई रे इमकाग चार लाइन से ध्यान दियो मड़ा हा मरा एक भजन कदे समय मिल जाओ तो गौर करके सुनियो सारा कुणबा ने सुनाइयो सारा गांव राम ने सुनाइयो किसे के कल ठिकाना आ जाएगी नोला बूढ़ा बाबू भूखा मर गया पेट भरने का काम नहीं के बूढ़ा बाबू भूखा मर गया पेट भरने का काम नहीं और मरते गाड़िया टेंट चौक में लिया धर्म का नाम नहीं फिर बनाओ कोई ना कोई हलवा तो कोई खांदा है कोई आजकल रसगुल्ले बांट दो जलेबी बनावांगे चार डाल की मिठाई पांच डाल की सब्जी आद नहीं हो रही है चाला नहीं हो रहा है की हो रहा था लोग आगे बुद्धि जमाए सोचना समझना बंद करके रहे अरे लोगो जिसने काज करना है काज का तो मार दो काटा यो काज ना करे करो ये पाप है घना बड़ा पाप है ये सत्यानाश की लाई है जिंदगी करो जो करना है दो रसगुल्ले बुढ़ा आदमी भी खाओगा दुनिया में कंधा फिरेगा मेरे बहु बेटे इतने बढ़िया हमारा जीवन जग करा और सर पुचकारेगा आशीर्वाद देगा और बढ़िया का आशीर्वाद फड़ेगा वो तो जालिया चेणिया में तुम पाछा तो किमेट भोसड़े करे जाओ फायदा की कोई फायदा नहीं भाई आप पछताए हो क्या चिड़िया चुकी खेत ये कोई फायदा नहीं उस चीज का देखे जे करना हो काज किसे ने जीवन जग तुम करया करो जे करना हो काज किसे ने जीवन जग तुम करया करो जीवन जग भी नहीं जरूरी पेट बाप का भरया करो और ठीक बात ने ठीक गलत ने गलत कहो मत डरया करो और कग सर आले रंदन कीजो तुरंत खुलासा खरिया करो ओम गुरु चित धरया करो न्यू रहेगी सोच आराम नहीं मरते गड्ढा टेंट चौक में आश्रम का नाम नहीं अमल करना इन बातों पे सही को सही और गलत को गलत कहना कोई पाप नहीं है कोई बुराई नहीं है और जिंदा आदमी वो ये जो सही को सही और गलत को गलत कहेगा जिंदगी बुलाई दे ले भाई पाछा कनागत करियो और चाहे ना करियो मर्जी से थारी मत कनागत करना तो कर लियो भाई मैं कौन रोकने वाला पर मेरा दिमाग ये कहता कनागत ओए करता सूत्रा लागे जो जिंदगी माँ बाप की सेवा करे जिसने माँ बाप को जिंदगी रोटी का टूक नहीं दिया उसको कनागत करने का अधिकार है ही नहीं मेरी सोच तो यह है क्या लिखा है कर लो पाछे फादा हो ना जो करना जीते जी कर लो पाछे फादा हो ना जिसने सीढ़ी करी आत्मा ओ जा पाग सलो तो मैं थारा के बताने लग रहा हूं ये सब का समझ में पुनंदी गन खरे के पेट में दर्द हो रहा होगा यो नरा नरा भूख है मेरे गंदा नहीं गुंदा लेकिन असली सत्संग ये बताए मैं सत्संग और दड़न 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 इसमें को नहीं कुछ भी कदे बहम उठा रहे असली सत्संग यो है इन बातों का असर भी होना चाहिए जब फायदा है समझदार ने इशारा काफी है और मूर्ख को समझाना नहीं समझ लो रेल में ऊंट चढ़ाने वाला काम है भाई वो नहीं समझेगा जो बड़ी आदमी होगा उसका कल लगेगी
अच्छा आदमी होगा, अच्छी बातें सुन के अच्छा ये कमेंट करेगा, और ना तो इस पर भी देख लियो बतेरे मूर्खी से पूरी बात सुनने को नहीं अधूरे। जी तीन तरह के होते हैं लोग, एक होते हैं ज्ञानी, एक होते हैं अज्ञानी, और एक हो अल्प ज्ञानी। ज्ञानी हो जिसने पूरी जानकारी हो, अज्ञानी हो जिसने जमाई नहीं मेरा हो, और सबसे खतरनाक हो अल्प ज्ञानी जिसने ना पूरा ज्ञान और ना आधा, बीच में अटक रहा हो तुम साहब। ये जो कमेंट वो होता है बोले क्यों बकवास करो फलाना डिगड़ा रहे सुन तो ले मूर्ख में कहने क्या लग रहा हूँ आ जाते हैं पता नहीं क्या, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर। और इन चीजों पे अमल करो समाज में तभी बदलाव आएगा। मैं रीति रिवाजों के खिलाफ नहीं हूँ, हमेशा एक बात बोलता हूँ मैं हूँ गलत चीज के खिलाफ। मैं सबको ये बात अभी भी सबको नहीं कह रहा, मैं उनको कह रहा हूँ जो बहू बेटा का नाश हो रहा है जिंदा जी माँ बाप ने रोटी का टूक नहीं दें दे, मरे पाछे जो कनागत का डंगा उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। जिसने जिंदा जी सेवा करी करो कनागत, क्या दिक्कत है, मंदिर बनवाओ बाप माँ बाप के नाम से अच्छी बात है, क्या भी लगाओ अच्छी बात है। उसे की आत्मा तो सीढ़ी जिंदा जी जिसने आत्मा सीढ़ी करी मेरे पाछे भी तो फायदा जब होगा ना, जिंदा जी आत्मा फूकी और मरे पाछे ने सोचा है सब क्या आएगा पुनी बेले लो, नहीं हो सकता ऐसा, इम्पोसिबल है। हमारे गुरु जी हमेशा एक बात समझाते हैं बेटा, गाना ओ यो है, लिखना वो यो है जो किसी ने कोई ज्ञान देवे, जिससे किसी की बुद्धि पर असर पड़े, जो आदमी सुन करके उस पर अमल करे और उसके जीवन में कोई बदलाव आ जाए। असली कविता ही असली गाना वही होता है। गाना बजाना तो भाई देख मन अंधा को नहीं, ना मन लिखना अंधा, ये बांगी बोली बात जानू थारे बीच में कह दू, और अपने मन की बात है भाई, पसंद करनी है पसंद करेंगे, जलनी है तो जलेंगे, बेशक जले जाओ, सच्चाई तो भाई सच्चाई ही रहेगी, कितना अंगा ले लो सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, सच्चाई आए है। क्या लिखा है समझदार ने इशारा काफी के मुंह रख समझाना, समझदार ने इशारा काफी के मुंह रख समझाना, ओम गुरु हो वजन बात में ओसे वो कागज़ मारे